हाय गाइस, सो आज हम एक व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, मैच चल रहा है, तो हमने सोचा कुछ अच्छा खाने का भी बना लेते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको, जहाँ हम कुछ अच्छा और बहुत बढ़िया खाने का बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले थे पास्ता, और जैसा कि हम एक इंडियन फैमिली हैं, सो हम लोगों की बहुत लड़ाई हो रही थी कि हम क्या बनाएं, रेड सॉस पास्ता या वाइट सॉस पास्ता। तो जैसा कि आपने सुना, अल्फीडो या अराबियाटा, जो भी आपको पसंद हो, हम इंडियन हैं, हम इसको पास्ता ही बोलते हैं। तो हम एक काम करा तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम ना वाइट बना रहे हैं, ना रेड बना रहे हैं, हम मिक्स बना रहे हैं। वेरी गुड, मिक्स बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन करी है हम लोगों ने ये पास्ता बनाने के लिए, जो कि है मिक्स सॉस पास्ता। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये हमने सजा के रखा है, पता नहीं क्यों रखा है, पर रखा है क्योंकि हमारा पहला व्लॉग है, सो उसमें हमने आप सबको ये सजा के रख दिया है। अब देखते हैं क्या क्या है। तो शेफ, ये क्या है? ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर। टू बी वेरी स्पेसिफिक, शेफ जो है हमारे, ये बहुत ही बड़े होटल से नहीं है, घर के ही है, पर पता नहीं क्यों इतना बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये chili मिर्च flakes. चिली फ्लेक्स, ओह माय गॉड, मिर्च लग रही थी। आगे ओरिगैनो, नेक्स्ट सॉल्ट, सनफ्लावर, चीज, कॉर्न, अनियन एंड कैप्सिकम। सो अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो बहुत सारा खाना है हमारे पास। मिल्क बटर और ये महंगा इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलिव ऑयल। ओह माय गॉड, ऑलिव ऑयल। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ये हमने अपने पैसों से खरीदा है। बहुत महंगा आता है भाई, देख लो एक बार, बॉटल देख लो तुम, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, जो भी है तुम देख लो। मेड इन इटली है। सो आप जानते हैं हम ऑथेंटिक तरीके से बनाना चाहते हैं अपना पास्ता। एंड टोमेटो सॉस ऑल्सो, कहीं दिख नहीं रहा। ओह, टोमेटो प्यूरी है, जो भी है। चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। व्हाइट सॉस। सो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें व्हाइट सॉस, बटर ढेर सारा, क्योंकि अपना तो घर का। हाँ, तो ये आपने सुना, जैसा कि इंडियन फैमिली है और कुछ फ्लावर डाले, इसको हिंदी भाषा में बताया, मैदा। ये हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए भी हमने बता दिया है कि ये मैदा है, बाद में कमेंट्स में आप लोग पूछते। ओहो, देख के बहुत सफेद सफेद लग रहा है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बजट बढ़ाते हुए हमने एक लाइटिंग ऑन कर ली है, और ये दिख रहा है। इसको थोड़ा सा कुक करना है, ब्राउन नहीं होने देना है, बट हल्का सा कुक करना है, हल्का सा आपके हिसाब से। ओके, देखिए बहुत इंटेलिजेंट है शेफ, पहले बता दिया 2-3 मिनट्स। नाइस। तो जैसा कि ये ब्राउन हो गया है, हल्का सा हुआ है, तो थोड़ा फ्रेग्रेंट, 2-3 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा फ्रेग्रेंट जैसा लगेगा। तो इसमें दूध डालना है, तो इसमें अब हमें दूध डालना है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 कप, अप्रोक्सीमेटली 1.5 कप हिंदी ऑडियंस के लिए। और वो आपका मैदा था 3 टीस्पून 3 चम्मच आप डाल लें, कोई बात नहीं। इस पार्ट को विस्क से करेंगे तो ज़्यादा बेटर। ओहो, देखिए हम एक बढ़िया उपकरण लेके आए हैं इसको करने के लिए। आपके पास नहीं है तो आप अपने रई जो आपके घरों पे होती है, आप उससे भी चला सकते हैं। मैंने सही कहा शेफ? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट यस यू कैन। शेफ हमारे इटली से आए हैं, तो हम लोग घर पे लस्सी रई से बनाते हैं, तो उससे भी हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं इसमें, बताइए शेफ। जो बचा हुआ पास्ता जब बॉईल करता है तो पानी रिजर्व कर लें, और अराउंड 1.5 कप इसमें वो भी डालेगा। तो मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। तो जब पास्ता आप जो उबाल लेते हैं, सर क्या करते हैं पास्ता उबालने के बाद जो उसका पानी होता है उसको आप इसमें डाल दें, 1.5 कप पानी डाल दें। पहले तो प्लीज शेफ की बेइज्जती मत करो, बिकॉज आई एम नॉट होम कुक। तो हमारे शेफ बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इटली से आए हैं,
हम्बल हैं, इटली से आए हैं पर हिंदी अच्छे से आती है इन्हें, तो ये बस होम कुक है, बस इटालियन नहीं आती। ये देखिए फनी एलिमेंट भी हमारी वीडियो में, शेफ ह्यूमरस है। और ये पास्ता वाला पानी हमने अब डाल दिया इसमें। 5-6 मिनट्स के बाद आपकी सॉस ठीक होने लग जाएगी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद 5-6 मिनट्स बाद जो ये सॉस है वो थिक हो जाएगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तब तक हम इसका वेट करते हैं। आप लोग मैच देखिए, जाके मैच चल रहा है आज। हो जाए वो तब ऐसे देखना है जब आपका स्पून कोट होने लग जाए। सो जब आपका स्पून कोट हो जाता है और ये बहुत थिक हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं गर्म भी है, हमारे शेफ की उंगली जल गई है टेस्ट करते हुए। टेस्ट नहीं कर रही थी मैं, शेफ खाते रहते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो था हमारा सॉल्ट, नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यस स्वाद अनुसार। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है। ब्लैक पेपर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हमने डाला है। व्हाइट सॉस रेडी, साइड में रख देंगे। तो ये व्हाइट सॉस रेडी हो गया, देखिए बहुत ही ज्यादा व्हाइट लग रहा है और बढ़िया लग रहा है, तो इसको इसीलिए शायद व्हाइट सॉस कहते हैं शेफ। नाइस, इन अदर वर्ड्स अल्फ्रेडो। तो हमारे थोड़े क्लीशे लोगों के लिए व्हाट्स है अल्फ्रेडो है, इसका मुझसे मतलब मत पूछना, तो ये गूगल कर लेना देसी लोगों। ऑलिव ऑयल एंड बटर। सो अब हमने डाला है एक सेपरेट कढ़ाई लेके उसमें ऑलिव ऑयल एंड बटर। तो अब हम क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं शेफ? अब हम करने जा रहे हैं रेड सॉस प्रिपेयर, और वेजीज और रेड सॉस हम इकट्ठे प्रिपेयर करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना हमने पहले वाइट सॉस प्रिपेयर कर लिया था, अब हम रेड सॉस प्रिपेयर करने जा रहे हैं। चिली फ्लेक्स हमने इसमें डाला, चिली फ्लेक्स ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट 2 टीस्पून हमारे क्वांटिटी के हिसाब से, वैसे तो हमने कुछ बताया नहीं है। 2 टीस्पून डालने हैं। और ये क्या है सर? ओरिगेनो, मतलब इसमें है थाइम, बेजिल। तो ये थोड़ा महंगा इंग्रेडिएंट, हमने सब कुछ मिक्स करा है इसमें, तो आप लोग कहीं से भी ला के डाल सकते हैं। चॉप गार्लिक, और अभी हमने इसमें डाला है चॉप गार्लिक। और अपने हाथ धो लें। हाँ, तो ये बहुत अच्छा स्टेप बताया है हमारे शेफ ने कि गार्लिक डालने के बाद हाथ जरूर धो लें। पहले भी धो लें साफ हाथों से बनाए, हाइजीनिक शेफ है हमारे। तो इसमें डालेंगे अनियन और कैप्सिकम दोनों साथ में। तो अब हम इसमें डालते हैं अनियन और कैप्सिकम साथ में। तो ये देखिए हमने बहुत सारा अनियन कैप्सिकम डाल दिया है, हमारी फैमिली बड़ी है इसलिए हम इतना बना रहे हैं, आप अकेले रहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। दिस इज़ फॉर 7-8 पीपल गाइस। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कढ़ाई भर गई है, और प्याज और हमारी शिमला मिर्च विच इज़ कैप्सिकम एकदम बढ़िया लग रहा है, ग्रीन बेल पेपर ऑल्सो। इस स्टेज में आप रेड येलो सब डाल सकते हैं, बट हमारे पास नहीं थे, हम ग्रीन ज़्यादा खाते हैं, हमारे लोग हैं We are vegetarians. Go green. We are vegetarians. Go green, guys. इसलिए लाल रंग की चीजें हम लेते ही नहीं। वाह वाह वाह। हमने जैसे कि कहा शेफ हमारे बहुत ह्यूमरस हैं। तो मजाकिया है जी, तुसी तो बड़े मजाकिया हो। तो शेफ इसको कितना टाइम लगेगा? स्वेट होने देंगे इसे। तो इसे थोड़ा धीमी आंच पे पकाएं। ज्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि थोड़ा क्रंची रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना इसको ज्यादा नहीं पकाना है, एक वो कुरकुरापन रहना चाहिए, क्रंची फ्लेवर। Nice. देखते हैं, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। तो अभी ये कुक हो रहा है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं ये हमारा कुक हो गया, अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर रहे हैं, ब्लांच करके टमाटर को मिक्सी में पीस लें उसके बाद डालें। आप रेड सॉस अलग से बना के फिर भी बना सकते हैं, बट हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना हमें यही आता था, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब इसके बाद इसे कुक होने दीजिए। अब इसे कितनी देर तक शेफ? जब तक टमाटर ना पक जाए। ये बहुत ही बढ़िया रिप्लाई हमारे शेफ का, तो आप इसको तब तक कुक करेंगे। तो फाइनली टमाटर उबल के हमारी रेड सॉस तैयार हो गई है, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और देखने में स्मेल बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है।
अब रेड सॉस बहुत अच्छी खुशबू, रेड सॉस में हम ऐड करेंगे हमारी वाइट सॉस। ओहो तो अच्छा ऐसे मिक्स होता है, तो देखा देखा आपने गाइस, हमने रेड सॉस में वाइट सॉस मिक्स कर दी है और ये मिक्स सॉस पास्ता बन जाएगा। लिटरली ना मिक्स सॉस था, सोच के थोड़ी ना रखा था। बहुत बढ़िया शेफ, इसके लिए आपको अवार्ड दिलवाएंगे हम। काश मैं इस चीज का क्रेडिट ले पाती। हां फिर से हंबल शेफ, ऑप्शनल शेफ है। सो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी हमारे शेफ बोल रहे हैं ये ऑप्शनल है। हमने इसमें थोड़ा चीज डाला है और चीज़ का हम कचुंबर निकाल के डाल रहे हैं। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक। तो अब चीज़ ये देखिए, थोड़ा सॉल्ट बे वाला हमने स्टाइल अपनाया है, ऊपर से हम ऐसे कर रहे हैं। वाओ नाइस। सो गाइस अब हम इसमें डाल रहे हैं बॉइल्ड कॉर्न। तो ये मक्का है, मक्के के दाने हैं उबले हुए, भुट्टा भी कह सकते हैं आप इसको, स्वीट कॉर्न भी कह सकते हैं। स्वीट कॉर्न, तो हम थोड़ा बोर भी हो रहे थे बनाते बनाते, तो हमने गाना चला दिया। देखिए शाउट आउट टू दिलजीत, और जट पैदा होया बस खाण वास्ते। तो अब हम इसमें फाइनल इंग्रेडिएंट डालने जा रहे हैं अपना, जिसका जिसके नाम से इसका नाम है, जिसके नाम से ये पहचाना जाता है, पास्ता। ये देखिए भर भर के पास्ता डाल रहे हैं हम, जैसा कि आपको पहले भी बताया था 7-8 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा बनना चाहिए बस। तो गाइस ये आखिरी इंग्रेडिएंट था, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमारा ऑथेंटिक मेड इन इटली पास्ता घर पे रेडी। तो शेफ इसमें हमें बहुत मेहनत लगी है, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी उपलब्धि के बाद कि फाइनली हमने पास्ता रेडी कर लिया है। फाइनली गाइस बहुत पसीने आ गए, आज मेरा जीना सफल हो गया है। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा पास्ता बन गया है और अब हम लोगों को बहुत भूख लग रही है क्योंकि काफ़ी देर से बना रहे थे, तो अब बस हम इसको खाने जा रहे हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पास्ता रेडी हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है देखने में, तो अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। तो आपको हमारी ये घर पे बनी कुकिंग वीडियो देसी मिक्स सॉस पास्ता पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इसकी रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। थैंक यू।